उस प्रोसेस में क्या आप बर्डन फील कर रहे थे क्या बहुत यंग थे प्रेशर था वाइल कैरिंग द बिजनेस फॉरवर्ड क्या आप लोनली फील कर रहे थे उस टाइम पे सही यस आई डोंट ड्रिंक एट ऑल आई टॉल नेवर ने अल्कोहल इन माय लाइफ मैंने कभी कॉलेज में भी ऐसे माय आंट यू मस्ट

माई कजिन कुमार मंगलम बिरला इज संबरी आई रियली अप लुकअप हाय नमस्ते आई एम यश बिरला मुझे सिद्धार्थ कन्न जी से बात करने में बहुत ही अच्छा लगा अनुभव बहुत अच्छा रहा uh, कई चीज़ें जो मेरे दिल में थी पर प्रकट होने को मुश्किल हो रही थी वो भी उन्होंने इतने अच्छे तरह से मेरे को प्रश्न पूछे कि मेरे को अच्छा लगा वो सब सब चीज़ बोल के Uh, और वार्तालाप हुआ ये नहीं कि उन्होंने प्रश्न पूछा मैंने खाली जवाब दिए उन्होंने भी बोला मैंने भी बोला और हम हमने बहुत अच्छा अच्छा चीज़ें वार्तालाप में हुए जैसे होना चाहिए हर इंटरव्यू एंड टू सी दिस इंटरव्यू एंड टू सी सिद्धार्थ कानन अदर ब्यूटिफुल इंटरव्यूज जॉइन हिज यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ कानन बिजनेस टाइकून, फिटनेस इंथूजियस्ट स्पिरिचुअल लीडर लॉट स्मो यशोवर्धन बिरला उर्फ यश बिरला कैसे हैं आप मैं बहुत बहुत अच्छा हूं। आपके ये सब जो आपने मेरे बारे में कहा पता नहीं कि मैं उसका उत्तर दायित्व ले सकता हूं कि नहीं आपके जो हम बात करेंगे उसके दौरान पता पड़ेगा कि इन तीनों में से मैं किस पर आपको सेटिस्फाई कर सकता हूं एंड लिव अपर एक्सपेक्टेशन देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ सिर्फ कि द बेस्ट वे अ पर्सन कैन डिफाइन दम सेल्स इज टू टेलास वॉट दे फील अबाउट दम सेल्स तो अपने आप को आप कैसे डिफाइन करते हो फिर मैं uh, एक आदमी हूँ ह्यूमन बींग हूँ स्पिरिचुअल बींग हूँ भगवान का बंदा हूँ अगर आप वो टर्मिनोलॉजी uh, समझे तो मेरा मेन एसेंस कॉर इज जो मेरे को कलेक्ट कनेक्ट करता है डिवाइन से डिविनिटी से आ, भगवान से तो जो भी हम कर्म करते हैं लाइफ में करना पड़ता है यहाँ जो है करना पड़ता है आपसे बातचीत करना पड़ता है पर अल्टीमेटली एक चीज़ है बियॉन्ड वो हमको कनेक्शन करता है यूनिवर्सल एनर्जी से सो so, मैं मैं वो ही हूँ मेनली तो ये कमरा वो कमरा है जो मुझे बोला गया है एंड आई कुड बी रॉन्ग बट प्लीज़ करेक्ट मी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ब्रीच हिज लास्ट इन दिस रूम इज दिस दैट रूम जी सो दे लोग सरदार जी गांधी जी बहुत सारे फ्रीडम मूवमेंट्स आप चित्र देख रहे हैं वॉल पर यहीं ले गए तो यहाँ काफ़ी फ्रीडम मूवमेंट के बारे में डिस्कशन चलता था मेरे परदादा से उनके भाइयों से तो उसके कारण वो घर जैसे हो गए थे तो हमारे संस्कार उनसे मिलते जुलते थे Uh, मतलब प्योर वेज शाकाहारी हम लोग हैं अल्कोहल uh, घर में आता नहीं है तो वो यहाँ रहने का अपना स्वभाव समझते थे कि यहाँ हम कंफर्टेबल हैं तो उनमें से काफ़ी लोग यहाँ रहते थे मतलब जब भी बॉम्बे में थे फ्रीडम uh, मूवमेंट की बातें बॉम्बे में करते थे तो वो यही घर में होती थी तो ऑब्वियसली एक जब एक बार सरदार जी यहाँ रह रहे थे तो ही उनकी अंतिम सांस यहीं हुई और जहाँ बैठे यहीं से उनका अंतिम आ, संस्कार हुआ और यहाँ बाणगंगा क्रेमेटोरियम है उनको यहीं से ले ले जाया गया कभी कभार जब आप इस रूम में आते हो कुछ डिवाइन बीइंग सेंस करते हो यहाँ पे? हाँ आ... मैं ये घर में आता तो मुझे ऐसा लगता है मैं घर में प्रवेश करता हूँ क्योंकि हमारे पूर्वजों के इतने संस्कार हैं इधर और पूर्वजों के ग्रेट थिंकर्स के फिलोसोफर्स के लॉट ऑफ सेंट्स हैव बीन टू दिस हाउस फ्रॉम लेट्स से फाइव डेकेड्स तो मैं विश्वास करता हूं कि जो आप घर में वातावरण बनाए वही आपको आभास होता है जो आप सोचें जो आप कर्म करें उसी का आभास आपको वापस होएगा तो आप बोलते हैं ना कभी कभी हम लोग गुफाओं में चले जाते हैं गुफाओं में कई लोग जा ध्यान करते हैं वो क्यों क्योंकि वो गुफाओं का वाइब्रेशन वो गुता गुफाओं का वातावरण कंजीनियल होता है ध्यान के लिए क्योंकि वहाँ पीस पहले लोग आए हुए होंगे, वहाँ ध्यान किए हुए होंगे, तो उनका जो जो थॉट प्रोसेस है वो वहाँ एकत्रित रहता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन तो जो भी हम बोलेंगे जो भी हम करेंगे अल्टीमेटली हमको वापस आएगा ऐसे ही जब आप कोई जगह में प्रवेश करते हैं जो भी वहाँ के संस्कार हो वो आपको आभास होते तो यहाँ पर नेहरू जी गांधी जी और कौन कौन फ्रीडम फाइटर्स आया करते थे आपकी बिरला हाउस में जी मैं नाम गिनना शुरू करूँ तो मेरा इन, लिस्ट इनकम्प्लीट होगी क्योंकि उनमें से सब इंक्लूडिंग जो लॉर्ड लौ, माउंट बैटन थे लास्ट वाइस रॉय ऑफ द ब्रिटिश वो भी यहाँ आए थे क्योंकि उस टाइम सब वार्तालाप सब में चलता था ज य पीसफुली गोइंग इन टू इंडिपेंडेंस तो ऐसा शायद ही कोई हुआ होगा जो यहाँ नहीं आए हुएंगे इनफैक्ट मैंने यहाँ देखा भी है कि गांधी जी जो जो लेटर्स लिखे थे अपने माता जी, 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 जी को वो भी यहाँ पे है जी हाँ तो मेरी दादी जी उनके बहुत निकट थी उनके सिद्धांत और उनके आ, विचारों से बहुत निकट थी प्रभाव प्रभावित थी उनके जो उनके जो सात्विक विचार थे आ, सादगी के विचार थे स्परिचुअल विचार थे भगवत गीता पर उन्होंने पूरा व्याख्या लिखा है गांधी जी ने तो मेरी दादी जी उनके साथ एक्चुअली उनके आश्रम में छः साल रही थी उनके सिद्धांत सीखने के लिए तो जब वो आपस वापस आई हाँ घर में तो उनको जब भी कोई भी प्रश्न होता था अबाउट कॉन्डक्ट ऑफ लाइफ अबाउट ये लाइफ में या डिसीशन में कैसे लूँ ये मेरे को प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व कैसे करूँ तो उन्होंने गांधी जी को अपना मान रखा था फ्रेंड फिलोसोफर गाइड तो वो उनसे संपर्क करती थी आ, पत्र पर और उनका उन दिनों पत्र पर ही संपर्क होता था मोबाइल फोन तो था नहीं तो वो इमीजिएटली गांधी जी उनको लिख देते थे कि ये विषय में आपको इस दृष्टिकोण से आपको लाइफ जीनी चाहिए तो गेटिंग बैक टू योर चाइल्डहुड परसेप्शन है अंडरस्टैंडिंग है द मैन हूज विद द सिल्वर स्पून द गोल्डन स्पून क्या वा वाकई बचपन ऐसा था देखिए सिल्वर और गोल्ड इज मेटल इट्स अ परसेप्शन ना कोई स्पून है ना गोल्ड है ना सिल्वर है <laughs> प्रेम होता है जो प्रेम होता है वही मैं गोल्ड प्लैटिनम डायमंड सब मानता हूँ हाँ मेरा जो बचपन था बहुत प्रेम से व्यतीत हुआ मेरी जो दादी जो इस चीज़ के बारे में आज बात कर रहा हूँ मैं उन्होंने मुझे बहुत उनके मेरे दादाजी थे नहीं तो एक अकेली थी और उनका पूरा जैसे जीवन का लक्ष्य मैं था अगर मैं ऐसा कह सकूं तो वो मेरे को बहुत प्रेम दिया उन्होंने मुझे बहुत सिखाया बहुत मेरे को स्पिरिचुअलिटी फिलॉसफी के बारे में कहानियाँ सुनाई तो उस हिसाब से मेरे पिताजी माता जी जब मेरे परदादा जी थे जीवित तो जॉइंट फैमिली थी तो हमारे उन दिनों संस्कारों में जब कोई जन्म लेता है घर में तो सेलिब्रेशन होते हैं तो आ, वो सब हो के मेरा चाइल्डहुड उसी तरह चला सेलिब्रेशन एंड लव आपका जो फैमिली रहा है उसमें आपके पिताजी का क्या इम्पैक्ट रहा है अशोक बिरला का आप पर तो पिताजी मेरे बहुत फॉरवर्ड थिंकर थे जब उन्होंने वो बिजनेसमैन थे तो उनकी आइडियाज़ करीब उनके समय से दस साल हेड चलती थी तो मेरे पिताजी ने फॉर एग्जाम्पल उन म्यूचुअल फंड तो आपने इन्वेस्ट किया होगा कभी तो वो वो पहला म्यूचुअल फंड भारत में मेरे पिताजी ने बनाया था बिफोर वहाँ एक भी म्यूचुअल फंड नहीं था इंडिया में तो उन्होंने आइडिया लिया जहाँ से भी लिया उसका पूरा अरेंजमेंट किया उसका जॉइंट वेंचर किया वॉबक पिंक, पिंकस के साथ वो लॉन्च करने को थे और फिर वो उस टाइम कोई फॉरेन डायरेक्टर्स को इंडियन डायरेक्टरशिप आने के लिए उसमें कुछ अड़चन आ गई तो उनका जरा डिले हो गया आ, ये म्यूचुअल फंड लॉन्च करना तो ये यूटीआई के मिस्टर फेरवानी थे द देन चेयरमैन तो उनको आई मेरे उनसे वार्तालाप हुआ था मेरे पिताजी का तो उनको आइडिया अच्छी लगी तो उन्होंने लॉन्च कर लिया उनके पहले और फिर मेरे पिताजी गुजर गए तो वो आइडिया वहीं की वहीं रह गई पर कहने का तात्पर्य ये कि वो हर चीज अपने दस साल आगे सोचते थे तो ही वॉज अ विजनरी वॉट वी कॉल और माता जी का क्या इम्पैक्ट था पर? तो so, माता जी ऑफ़ हाउस वाइफ थी और वेरी स्ट्रॉन्ग वूमन। बिहाइंड एवरी सक्सेस ऑफ़ एवरी मैन अ वूमन। मेरे पिताजी का तो माता जी से यही था कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन प्रोत्साहन एनकरेजमेंट वो खुद Uh, मतलब ऑफिस में एक्टिवली नहीं जाती थी पर पीछे से सब चीज़ समझती थी और उस हिसाब से उनका बहुत uh, सहयोग uh, रहा मेरे पिताजी के बिजनेस में और uh, जैसे मैंने कहा हमारे घर में पैम्परिंग तो होती है तो माता माँ दादी जी सब बहुत मेरे को मतलब पैम्पर करते थे पैम्परिंग अच्छी भी होती है कई बार खराब भी हो जाती है वो तो देख देखना पड़ेगा मेरे लिए अच्छी है कि खराब और मैं बहुत पैम्पर था आप अपने सिस्टर से भी बहुत करीब थे सुजाता दीदी मैं बहुत बहुत करीब था उनके साथ जो हर हर चीज़ हमारे लाइफ के बारे में मेरा फर्स्ट डिस्कशन मेरी दीदी के साथ रहता था दीदी मैं बुलाता था उनको और ऐसा था कि मेरी उनसे रोज़ बातचीत होती थी उनकी शादी भी हो गई थी ला, लास्टली टू जाय माता तो और मैं अमेरिका गया था पढ़ने के लिए पर अमेरिका से बॉम्बे उन दिनों भी एस चालू हुआ था मतलब स्टेट डायरेक्ट कॉलिंग रोज़ उनका फ़ोन आता था मेरे पास आज क्या हुआ आज क्या किया मैं कहाँ गई मैंने किससे फ्रेंड से मिली मैं कौन से पार्टी में अटेंड की ये न्यूज़ है बॉम्बे की ऐसे सब हंसमुख बातें उनके साथ तो मेर, मेरा उनके साथ बहुत निकट रिलेशनशिप मैं का, ऐसा हुआ ही नहीं कि कभी मैं उनसे लड़ाई किया या मैं इनफैक्ट उनसे सुजाता दीदी के उन दिनों का पूछ जैसे घूमता रहता था, था उनके पीछे और कितना एज गैप था आप दोनों के बीच में सवा चार वर्ष ऑब्वियसली बड़ी थी वो। वो या बड़ी थी तो आप पढ़ाई यूएसए में कर रहे थे जी जब ये हादसा हुआ जब ये प्लेन क्रैश हुआ मेरे पिताजी और बहन जो थे तब मैं यूएसए में एम बी ए कर रहा था एंड यू लॉस्ट योर पेरेंट्स एंड सिस्टर द एज ऑफ ट्वेंटी थ्री बहुत ट्रॉमेटिक रहा होगा आपके लिए ना ट्रॉमा trauma, ट्रॉमेटिक तो रहा था ट्रॉमेटिक है <laughs> वो कभी आ, जो होता है वो मेमोरीज जाती नहीं है बट ट्रॉमा ट्रॉमा इज रिलेटिव एक्चुअली जो ट्रॉमा ट्रामा शुरू में होता है वो ट्रॉमा बाद में रह तो जाता है पर उसको हम किस तरह जिंदगी में इन्वॉल्व करके आगे बढ़े वो भी लाइफ अपने को सिखा देती है तो मतलब uh, जो बोलते हैं मेमोरीज आज भी मैं अगर सोचूं मेरे पिताजी माता जी के बारे में तो मुझे लगता है अभी कल ही मिले थे ऐसा है तो मेमोरीज नैव अ फेड फ्रोमा फेड्स इन टू बिकमिंग ट्रांसफॉर्म्ड लव सो इफ आई यूज टू थिंक ऑफ माई पेरेंट्स विथ टीयर्स टूडे आई वु थिंक ऑफ दैम विथ अ स्माइल विथ लव जॉय बिकॉज आई डू बिलीव इन इज दैन आर स्क्रिप्चर्स इन फिलासफी दैट इज ओनली द बॉडी दैट गोज आत्मा उनका बीइंग उनका प्रेम अगर आप आभास करो तो हरदम रहेगा आपके साथ उसके लिए हमको जैसे टीवी देखने के लिए एंटेना लगाना पड़ता है तो हमको कभी कभी अंदर जाना पड़ता है उसके लिए मेडिटेशन ध्यान पूजा ये जब भी आप करेंगे तो कुछ कुछ आभास होंगे उनको कि जहाँ भी है जो भी योनी में है कोई और योनी में वहाँ से उनका कोई कनेक्शन जब आप पढ़ाई कर रहे थे जब आपको ये न्यूज़ मिला था जी

बिकॉज इ विल वॉट योर हैप्पीनेस इस्पेक्टिव ऑफ वॉट दे आर हैप्पी और नॉट स्पेशली अर मदर एंड ऑल्सो फादर तो डील उनका एपसेंस तो आप कभी मेकअप कर नहीं सकते मेरा जो मैंने आपको पहले बोला कि मेरी दादी जी का मेरे ऊपर बहुत इफेक्ट था मेरे सोच विचारों पर तो मैं चौदह पंद्रह साल से शास्त्र पढ़ने का बहुत शौक था भगवदगीता उपनिषद अब आप ये शास्त्र पढ़ें तो उसमें लिखा है कि मतलब पूरा साइंस है कि जो होता है वो आप देख रहे हैं शरीर जाता है पर आत्मा जाती नहीं है शरीर पांच तत्वों से बना है वो तो जन्मेगा और जाएगा पर जो आत्मा है वो निरंतर है निराकार है सच सच्चिदानंद हैम्प्लीकेटेड वर्ड्स नहीं नहीं मुझे समझ आ रहा है दिल से। आपको समझ में आ रहा है जी ठीक है तो आ, अगर आप उसमें विश्वास करें वही विश्वास मेरे में हरदम बना रहा जब ये न्यूज़ आई जब ये हुआ इमोशनल तो होता है उसको आप अवॉइड कभी नहीं करेंगे फिजिकल प्रेजेंस मिस होती है क्योंकि फिजिकल प्रेजेंस वेरी इंपॉर्टेंट जितने भी हैं हम ह्यूमन हैं हम वो लेवल पर नहीं पहुँचे पर अंदर से कुछ बोलता है कि ये दिस इज जस्ट एन अदर फॉर्म ऑफ कनेक्शन हवा हम हवा को देख देख नहीं सकते पर आभास कर सकते हम सांस ले सकते हैं। तो जो दिखे नहीं इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं ये yeah, ऑब्वियसली आपने समझा आई प्रूम कुछ समय के बाद पर उस वक्त एट ट्वेंटी थ्री ये बातें समझ आई थी हाँ क्योंकि मैंने सोलह समझ में नहीं आई आप यूर राइट लाइफ इज प्रोसेस एवोल्यूशन आपकी समझ आज भी मुझे नई नई चीज़ समझनी चाहिए नहीं तो लाइफ एंड्स जब आप नॉलेज या सीखना एंड करते हैं तो यू हैव स्टेग्नेटेड तब आपकी ईगो आ गई हमने बहुत सीख लिया और क्या सीखने का ऐसा लाइफ टिल टुडे एवरी डे यू मस्ट लर्न पर मैंने जैसे आपको कहा चौदह पंद्रह सोलह साल से ये सब सीखना शुरू किया था तो मेरे को इस पर बहुत विश्वास था कई लोग बोलते हैं आप भगवान से नाराज़ थे क्या आप पर जो हुआ असर एक, एक भी क्षण नहीं मैं नाराज़ क्यों क्योंकि ये मेरे कर्म उनके कर्म ज्वाइन और ये कोई ख़राब या अच्छा नहीं है जो भी है ये शरीर है शरीर कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो जाएगा तो उसके बाद कुछ तो है उसके पहले कुछ तो है तो ये विश्वास हरदम मेरे में था अब ऑफ कोर्स उस टाइम क्योंकि बहुत आ, म, वो हादसा एक समय हुआ धक्का लगता है ठेस पहुंचती है रोना आता है वो सब हुआ ये नहीं हुआ कि नहीं हुआ कि मैं ऐसे ध्यान में बैठ गया पर अंदर कुछ बोलता रहा कि कष्ट होता है रोना आता है पर अह ठीक है होता रहे पर कुछ बियॉन्ड है देर इज समथिंग बियॉन्ड विच इज़ अवे फ्रॉम दिस ग्रीफ विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस ग्रीफ विच यू फील विच यू एक्सपीरियंस एंड दैट फीलिंग इन एक्सपीरियंस ऑफकोर्स वेन इट्स न्यू दिस इंसिडेंट इज़ लेस बट विद एवरी पासिंग पीरियड इट कीप्स इंक्रीजिंग दैट फेथ दैट डिविनिटी दैट एक्सपीरियंस दैट भाव कीप्स इंक्रीजिंग तो आप इसका ब्लैक एंड मतलब ये थोड़ा विग, आ, मतलब क्या मनोवैज्ञानिक बात है तो थोड़ा कष्ट होता है समझने में पर मेरे हिसाब से मैंने इमीजिएटली क्या सोचा कि मेरे पिताजी माता जी को क्या क्या चीज़ में खुशी होगी वो मैं करना शुरू कर उस चीज़ों को मेरे लाइफ में लाऊं परिवर्तन लाने के लिए तो मैं उनको उस तरह प्रेम जता सकूं तो मुझे लगा कि मैं आ, उनके लिए कुछ कर नहीं सका मैं बाईस साल का था आप अपने पिताजी माता जी की सेवा करते हैं जब वो वृद्ध हो जाते हैं मेरे को तो अवसर मिला ही नहीं सेवा करने के लिए तो अब क्या करूं अब कैसे उनको दूं जो उनको नहीं दे पाया तो उनके गुजरने के बाद उनके याद में उनके प्रेम में जो भी वो कर सके वो उनके नाम में चैरिटी ठीक है सब लोग करते हैं पर दिल से करना चाहिए कि उनको जिस चीज़ में खुशी होती थी हमको करना चाहिए तो ऑफकोर्स पूजा पाठ पिलग्रिमेज तर्पण जैसे वो श्राद्ध होते हैं अपने शास्त्र में गया श्राद्ध कुरुक्षेत्र श्राद्ध बद्रीनाथ श्राद्ध मैं सब जगह गया जो हमारे शास्त्र में वो भी किया जो मेरे दिल से वो भी किया तो उससे मेरे को लगा कि जो मैं नहीं दे पाया उनके जिंदगी में मैं जो भी मेरे कैपेबिलिटी में है मैं अभी भी दे रहा हूँ और उस तरह मैं उनको जो जो देना था ये लाइफ में नहीं दे पाया वो देता रहूंगा अभी भी देता रहूंगा और अभी भी देता हूँ तो आप बोल रहे हो कि यू स्टिल फील बॉडीली वो हमारे साथ नहीं है बट सोल वाइज वो आपके इर्द गिर्द हमेशा है सोल यस इट कुड बी इंटरप्रेट ना आप सब कई लोग बोलेंगे उन्होंने कोई अलग जन्म ले लिया हो हो सकता है बॉडीज आई गोइंग टू वेरी डीप फिलोसॉफिकल बट आई लाइक दिस यस आई लाइक दिस आप बोलो दिल से तो हम यहाँ से बॉडी चला जाए तो कहाँ जाते हैं? कहीं तो जाते हैं? वो आप बॉडी के बिना भी उसका पूरा साइंस है गरुड़ पुराण है भगवत गीता इसमें सब विस्तार से बताया है कि आप कहाँ जाते हैं दूसरे युग लोक हैं दूसरे बॉडी फॉर्म्स हैं आप अपन आप, आप ने टीवी की बात की वो फ्रीक्वेंसी आपकी आप टीवी पर चित्र देखेंगे आपकी फ्रीक्वेंसी आनी पड़ेगी हम बहुत चीज़ को देख नहीं सकते क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी वो लेवल पर नहीं है बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स योनिया एग्जिस्ट इन अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी दे मे बी योर

कई समय पहले बात किया था तो पहले गुड टॉपिक एक्चुअली जो आपने बोला कि वॉट डिड यू फील दैट ट्रामा ट्रामा आपने यूज़ किया वो ट्रामा को इमीजिएटली गेट ओवर करने के लिए जो मेरे पास अंदर था ये विश्वास कि वो हैं मेरे को उसको देखना था ब्लैक एंड वाइट में बस खाली एक था तो मैंने uh, जो आप बोल रहे हैं बात करने काफी की काफ़ी कोशिश की उस टाइम एक स्पिरिचुअल सेंटर था लंदन में वहाँ ये बोलते हैं मीडियम्स कनेक्शंस बहुत अलग अलग तरह के तो कई लोग थे जैसे आप बैठे यहाँ आपके समझे आपकी दादी चली गई हैं तो आपके पीछे आके खड़ी रहेंगी अगर वो स्पिरिट वर्ल्ड में रहेंगी तो उनका चित्र बनाते हैं वो लोग कि ये जन है तो उनको नहीं पता आपकी कौन दादी है पर वो चित्र बन जाता है पर मेरा मेरा यहाँ कहीं सक्सेसफुल नहीं हुआ जहाँ भी मैं गया मैं निराश होकर आ गया फिर मेरे को किसी ने बोला कि वो आपके थ्रू कुछ आपको संदेश देंगे बाय राइटिंग और कॉल ऑटोमेटिक राइटिंग तो मेडिटेशन में जाके पूजा करके कैंडल लगा के यू होल्ड अ पेन एंड फॉर सम टाइम यू कीप ट्राइंग दैट दे कम थ्रू यू मींस मैनिफेस्ट द एनर्जीज थ्रू द फिजिकल फॉर्म मैंने कोशिश की मैं अगेन फेल हुआ फिर बहुत एक, एक साल ये एक सब चीज़ में मैं गया मेरे को खाली उनसे कुछ नहीं पूछना था मेरे को खाली वो फिजिकल प्रूफ करना था कि आप कहीं हो क्योंकि एकदम सडनली चले गए तो मुझे वो देखना था तो मैं एक यहाँ गिरगांव में थी एक मीडियम वो करीब नब्बे साल की थी वृद्ध औरत उनको दिखता कम था याद कम रहता था किसी ने उनके उनके बारे में बताया तो मैं उनके पास गया आ, तो उनको उस उन जमानों में ना इंस्टाग्राम ना मीडिया ना नोन फेस ना अन नोन फेस, फेस उनको कुछ पता नहीं मैं कौन क्या कुछ तो मैं गया मैंने उनका वो गिरगाव में पुरानी हो, होती है कि मैंने नॉक किया आ, उनके दरवाजे पर हो कोई बेल वेल नहीं है सब पुराना खटखट तो बोले कौन आए तुम्हें था ऐसे मैं, मैंने मैंने अपॉइंटमेंट लिया था आपसे कोई किसी चिट्ठी के थ्रू तो बोले हाँ थम्बा थाम्बा तो दरवाज़ा बंद कर दिया तो मैंने करीब पंद्रह बीस मिनट वेट करके वापस नॉक किया तो उन्होंने खोला तुम्हें आई ऐसा मी आता है ले होते मी मी तुम्हें माला संगित कि तुम्हें थांबा तो मराठी मेरी बहुत अच्छी नहीं पर मैंने कोशिश की बात करने में तो आ, फिर वो बोले हाँ हाँ ये ये शी सैट डाउन उन्होंने एक ऐसा मीना दिस गेट्स अ एसोटेरे कर मे बी एल्स बुक की उनका uh, ऐसा त्रिकोण शेप का एक टेबल था और त्रिकोण शेप के टेबल पर ए टू जेड ऐसे लेटर्स थे और वन टू टेन और येस और नो और वो बोलते वो उन्होंने पहले कहा था कि अगर आप आओ तो किसी को साथ लेके आओ जो आपके साथ लिख सके क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी संदेश आता है तो वो समझता नहीं तो आप लिखना पड़ेगा एक एक शब्द को तो मैं मेरी कज़न को लेके गया था जो तो मेरे साथ बैठी थी फिर उन्होंने कहा आप बैठिए इधर और आप सोचिए जिनके बारे में आप जो भी हैं मेरे को नहीं पता आप जिन जिन जिनसे आपको संपर्क करना है वो तरफ आप उनके बारे में सोचिए तो मैंने मेरी माँ के बारे में सोचा ना मैंने उनको बोला ना कुछ बोला खाली मैंने दिमाग में सोचा मेरी माँ के बारे में तो फिर वो बोली थोड़ी देर बाद कि अगर जिनके बारे में ये सोचना अगर यहाँ हैं तो आप बताइए आप यहाँ हैं तो अभी ये विश्वास भी कर सकते हैं ना भी विश्वास कर सकते आप आप पर निर्भर वो पूरा जो टेबल था मेरी उंगली थी उस पॉइंटर पर उनकी उंगली थी वो पूरा ऐसे 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 हल गया फिर भी मैंने से कुछ क्या है कुछ खुद खुद हिला रही हैं कुछ है पर पॉसिबल नहीं था क्योंकि ऐसे उंगली ऐसे रख रही थी आ, उसके बाद उन्होंने पूछा कि जो ये जिससे संपर्क करना चाह रहे हैं वो यहाँ हैं क्या आप तो बोले हाँ यस वेंट टू यस बोले अच्छा आप आपका नाम बताइए कि आप जब जीवित थे आपका नाम क्या था तो वो झट 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 ऐसे लेटर्स पर गया और मेरी कजन लिखती गई एस यू एन ए एन डी ए सुनंदा दैट मेरी माँ का नाम सुनंदा था तो वो वहाँ आया ना वो लेडी को पता कि मैं कौन ना उस लेडी को पता मैंने किसके बारे में सोचा तो जब ये नाम आया तब मेरे को खटका कि जो मैं इतने एक साल से प्रयास कर रहा था उनसे कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का वो आज आ जा गया बस दैट वॉज एंड मेरे को कुछ पूछना नहीं था मैंने कहा कुछ प्रश्न पूछे यू वहे सब ऐसे जस्ट टू कंटिन्यू बिकॉज सडनली यू कान गेट अप फिर उन्होंने अब उस सवेरे मैंने श्राद्ध किया था उनका जो श्राद्ध होती है ना पूजा तो hmm. उनको फूल uh, तर्पण करते हैं ऐसा सडनली मैंने कुछ पूछा नहीं सडनली स्टार्टेड गोइंग है तो जो मैं जो कजन थी मेरी लिख रही थी तो वहाँ आया थैंक यू फॉर द फ्लावर्स इन द मॉर्निंग वी वर वेरी हैप्पी टू सी द फैमिली सिटिंग द एंड गिविंग अस लव ये जो चीज़ थी तो मुझे ऐसा लगा उसके बारे में कि अब मेरे को जो मेरी बिलीफ थी विश्वास था कि वो यही है अब प्रूव हो गया अब मेरे को ये चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं ना मेरे को उनसे कुछ पूछने की ज़रूरत है क्योंकि अब मेरे दिल में है जो चीज है कनेक्शन तो उसके बाद मैंने कभी कोशिश नहीं की ना कॉन्टैक्ट करने की ये अभी हो गए होंगे कितने टू थ्री डेकेट्स कभी कोशिश नहीं क्योंकि क्या ज़रूरत अपने अंदर ही है तो बाहर क्या ढूँढा श्रीमती प्रेमवदा बिरला जी उनका भी बहुत इम्पोर्टेंस रहा आपके लाइफ में राइट और किस तरीके से तो मेरे पर परदादा जी के भाई एम पी बिरला जी थी तो उनकी वाइफ थी प्रेमदा बिरला जी तो जब मेरे माता जी पिताजी गुजर गए तो आ, सबसे निकट रिश्ते में वही थी एमपी बाबा जी माधव प्रसाद जी पर उनकी तबीयत खराब थी पर वो बहुत बहुत ही सज्जन बहुत ऊंचे आदर्श के आदमी थे तो उन्होंने कहा तबीयत खराब में कि ये अकेला है इसका पूरा परिवार चला गया हम इसको मतलब हम इसके ऊपर हमारा हाथ रखेंगे तो उस हिसाब से उन्होंने बहुत किया मेरे लिए मिस्टर एम पी ने उनकी पूरी टीम ने मेरे को काम सिखाया मेरे को हेल्प किया जो भी था समझने में मुझे समझ ही नहीं था और uh, मेरी शादी करवाई उन्होंने मेरी वाइफ जो है अवंती उनके घर जाके उनका रिश्ता मांगा पूरी सेरेमनी कराई और उनका मेरे uh, मतलब व्यूज़ पर भी बहुत इफ़ेक्ट रहा क्योंकि वो भी बहुत स्पिरिचुअल थी बड़ी एम पी बड़ी uh, uh, कैसे में, conduct, में कैसे लाइफ में कॉन्डक्ट बिजनेस में कैसे कॉन्डक्ट करना लाइफ में कैसे जीना ये सब चीज़ में मेरा उनका मतलब मेरे मैं 22 तेईस चौबीस साल का था पर फिर भी मैं बहुत प्रभावित हुआ उनके सोच विचार से पर वो एम पी बाबा जी जो थे हम एम पी बाबा जी बोलते हैं माधव प्रसाद जी बिरला उनके लाइफ से ही उनको ये सब इंस्पिरेशन मिला क्योंकि वो बहुत सात्विक थे बहुत प्योर थिंकर थे मैंने थर्टी ईयर्स कम्प्लीट किए इंडियन इंटरटेनमेंट बिजनेस में और एक चीज़ ने मुझे हमेशा इंस्पायर की है आगे बढ़ाया है वो है मेरे अंदर के अंगार में अंगार मर्चेंडाइज इज आउट जी हाँ ये है मेरा अंगार टी शर्ट अंगार बैग्स, अंगार मग्स और साथ में जो भी लाइने मैं बोलता हूं दिल से मेरे पॉडकास्ट में मेरे चैट शो में वो सारी लाइने होंगी मेरी टी शर्ट्स हुडीज़, जंपर्स में एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस माय अंगार मर्चेंडाइज इज ऑल योर्स अंगार खरीदिए और अंगार मचाइए बिजनेस में आपकी हमेशा रुचि थी या फिर जो मैंने अंडरस्टैंड किया है आप स्पिरिचुअलिटी थिंग्स दैट मैटर टू द सोल उसमें ज्यादा इन्वॉल्व थे कि बिज़नेस के नेचुरिटी देखिए हमारे परिवार में क्या है चौदह पंद्रह साल से आप कॉलेज से बाहर आओ कॉलेज में जाना शुरू करो तो बोलो चलो ऑफिस चलो <laughs> आपको वहाँ ट्रेनिंग करने जाना तो मैं सब फैक्ट्रीज में गया था ट्रेनिंग के लिए सेंचुरी मिल यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ गया पर्ता बनाना खाते लिखना सब ट्रेनिंग की थी मेरे को तो हमको बचपन से बोल दिया जाता है कि आपको ये सब बिजनेस करना है तो वो हमारी सोच बन जाती है तो वो हमको इंटरेस्ट लाना ही स्वाभाविक बन जाता है लाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती है आ, ये लोगों का मिसकसेप्शन है कि स्पिरिचुअल लाइफ इज़ डिफ़रेंट फ्रॉम वर्किंग लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ इज़ आप अभी आप आधे घंटा इंस्टाग्राम हम लोग देखते हैं आधे घंटा हम एक्सरसाइज करते हैं आधी घंटा हम गपशप मारते हैं तो आज उसमें आधा घंटा इंस्टाग्राम के बदले आप स्पिरिचुअलिटी इंक्लूड कर लीजिए अब उसका वर्किंग लाइफ से क्या कनेक्शन वर्किंग लाइफ से ये कनेक्शन कि स्पिरिचुअल लाइफ हेल्प्स यू फोकस ए साइंटिफिकली प्रूवन इट हेल्प्स यू लिव इन द मोमेंट बी अगेन साइंटिफिकली प्रूवन तो आपका जो काम हो आपका जो एरिया ऑफ वर्क हो उस पर आपको ज़्यादा फोकस मिलेगी स्पिरिचुअलिटी परस्यू करने के लिए जो आपके स्ट्रेस हो वर्क में वो आप बेटर डील कर सकें तो स्पिरिचुअलिटी और प्रोफेशनल लाइफ ये नहीं कि ये अलग और ये अलग इनफैक्ट ये आपको और बढ़ाएगी आगे ये आपको और स्ट्रोंगर बनाएगी ये आप में बहुत और करेज लाएगी तो इट ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्स इट डाइवर्ट क्या आपके अंदर वो प्रेशर था टू कैरी द फैमिली बिजनेस फॉरवर्ड एट अ वेरी यंग एज उस उस प्रोसेस में क्या बर्डन फील कर रहे थे क्या बहुत यंग थे uh, प्रेशर था बर्डन नहीं फील किया क्योंकि बर्डन अगेन लगता है जब हमको ये सब चीज़ जो मैंने अभी आपसे बात की जब ये जब सी चीज़ में विश, विश्वास नहीं होता तब बर्डन लगता है यार हाय, हाय हाय हमको क्या होगा मुझे ऐसा कभी नहीं लगा हमारा कर्म है हमारा ड्यूटी है जो हमारा है भगवान का विषय वो करेंगे हम लोग आए ये फैमिली में हम लोग यहाँ जन्म लिए पर्पज़ के लिए जो कर्म हमको करना पड़ेगा तो बर्डन कभी नहीं लगा बट येस दे वॉज अ forget the business, the fa uh, family name. our family uh, name has been known for think, social thinking. there's a independent movement. Right? social thought, uh, uh, contribution back to society, right? um, acting in business as trustees, that you are running a business, so ultimately you ultimately have to give back, give back something to society, to whoever, whatever. तो ये आदर्श निभाने का इज ऑलवेज समथिंग विच यू फील दैट यू ओवर टू द द द जेनेटिक्स ऑफ यू कम इन टू एंड कैरिंग बिजनेस फॉरवर्ड क्या आप लोनली फील कर रहे थे उस टाइम पे सही यस yes. बिकॉज पिताजी के ना होने का परिणाम होता है कि कभी uh, कुछ चीज हो तो आपको फेस करना पड़ता है डिसीजन लेना पड़ता है अपने आप और कोई और एडवाइजर्स रहेंगे बहुत पर डिसीजन मेकिंग एडवाइज एडवाइजर डिसीजन नहीं मेक कर सकते क्योंकि आपको डिसीजन तो आपको बनना पड़ेगा तो अगर पेरेंट चाइल्ड हो फादर सन हो तो बिकम्स ईजियर बातचीत करके डिसाइड टुगेदर कर सकते हैं तो वो लोनलीनेस कोई हो जाएगा तो कौन आपका गाइडिंग फोर्स रहा आई मीन ऑब्वियसली आपके पास लोग हैं जो जी. बहुत समझदार है इंटेलिजेंट है दे गाइड यू दे एडवाइज़ यू कौन अपना है एक अपना होता है ना फैमिली वाला जो आप कहते हो तो मैं कभी भी फ़ोन करूँ वो मुझे गाइड कर देंगे वो कौन था तो ये आपने इस पर टच किया था जब मैं आया आ, अमेरिका से तो एक तो आदित्य बिरला जी जो है मेरे अंकल उन्होंने मेरे बहुत सहयोग किया मेरे साथ और मेरे को काइंड kind ऑफ of पहले वो सब उन्होंने मेरे सब मीटिंग्स ली क्या क्या स्थिति है कंपनीज की क्या क्या उन्होंने खुद सब बैठ के करा उनके लोग को कहा मेरे को हेल्प करने को तो कुछ भी हो मेरे को तुम फ़ोन करो तुम मैं तुम तो बहुत उन मेरी मदद की एक दूसरे थे मेरे पित, पिता के मित्र जी राहुल जी आप जानते हैं वो भी उन्होंने भी बहुत मदद की वो तो पुणे में रहते तो बोले मैं डे टू डे आपकी मदद नहीं कर सकता पर आए मेरे कंपनीज बोर्ड पर रहे चेयरमैन मेरे मीटिंग्स एड्रेस के बहुत फिर लेटर ऑन माधव प्रसाद जी बिरला मिसेज एम पी बिरला इन्होंने सहयोग किया तो देखिए मैं समझता हूँ भगवान आपको कोई ना कोई भेज देता है मे बी डिफरेंट पीपल एट डिफरेंट टाइम्स सो यू डू फील अ लोन बट यू ऑलवेज सेंड समबडी टू हेल्प यू नाउ दैट दैट लोनलीनेस कैन नॉट बी टेकन अवे बट हेल्प विल ऑलवेज बी गिवन बाय द डिवाइन जो स्टेज पे आप है उस वक्त कौन से बिजनेस मिस्टेक्स आपने की होगी वुच यू लर्न फ्रॉम हर बिजनेस में मिस्टेक्स तो होंगी रिस्क टेकिंग इज़ अ ड्यूटी ऑफ अ बिजनेस मैन कई रिस्क में आप uh, डाउन जाएंगे कई में आप जाएंगे अप डाउन डाँग, अप डाउन ये तो लाइफ का बिजनेस का है ये yes, uh, उन टाइम कहीं पर ट्रस्ट ज़्यादा कर सकते हो आप क्योंकि आप अकेले हो आपने कहा ट्रस्ट करके कई चीज़ों उनके एडवाइस क्योंकि आप पर आप में एक्सपीरियंस नहीं है आप सडनली आ गए बिजनेस में तो आप में एक्सपीरियंस नहीं तो आप ट्रस्ट पर कुछ चीज़ें करें जो आप पर बैकफायर कर दे फिर आप आपको लोग उसका आ, मतलब उसको रिस्पांसिबिलिटी आप पर आएगी अल्टीमेट बिकॉज यू आर द हेड बट आपने कुछ किया ही नहीं क्योंकि उन लोगों का ट्रस्ट पर बेसिस पर आपने किया ऐसे चीज होते हैं पर मैं अगेन आई डोंट लुक बैक एट ऑल दीज थिंग्स राइट वॉट डू यू लर्न फ्रॉम दिस फ्रॉम एनी थिंग And there have been always ups and downs in everyone's life. From every up you learn something to some extent, and every down you learn something. Um, every down you learn that uh, if you keep blaming that Yesra kya, kishnakya, kiya," then you've learned nothing. You have to see what you can have could have done in that situation to avoid it. And then next time when a similar situation comes up, you would keep it and you execute it. That's the purpose of life. It's called evolution of thought process. A lot of us spend time blaming a situation, blaming a circumstance, blaming other people. maybe maybe other people are to blame. But that doesn't mean you don't have an opportunity to involve yourself and improve out of the situation, because you are also capable of getting out of a situation irrespective of anything else which is supporting you or not or, or not, let's not say getting out, we are talking negative but

उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा पेशेंस इज इम्पोर्टेंट कई बार हम पेपर देखते हैं जल्दी जल्दी इतने हज़ार वर्ड हम क्या करें चलो ठीक है कुछ भी हो साइन कर दिया ये ठीक है ये वो ठीक है ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए ऑफ कोर्स इट्स इम्पॉसिबल एज इफ आई डोंट नो हाउ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज यू साइन बोर्ड मीटिंग यू साइन स्ट्रैटीज कम्युनिकेशन इतने सिग्नेचर हर शब्द पढ़ना इम्पॉसिबल कभी कभी हो जाता है गलत कि आपने गलत साइन कर दिया कई पर जितना हो सके आप अपने आप देखिए अपने आप पढ़िए अगर हो तो किसी को आप बताइए आपके लिए सिनॉप्स जो आप ट्रस्ट कर सकते हो एक्सटर्नल पीपल उसका सिनॉप्स बनाइए इस चीज़ का मेरे को संक्षिप्त में बताइए क्या इसका सेंस क्या है आप एडवाइस दीजिए कोई अकाउंटर चेक करिए ये सब चीज़ अपने आप इंटरनल सिस्टम्स बनने चाहिए ज़रूर होने चाहिए प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन एंड लर्निंग आपकी वाइफ जी महाराष्ट्र है जी, आप मारवाड़ी हो जी uh, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग चीज कहा कि ये बेसिकली अरेंज मैरिज था ना बोल इवेंचुअलीस नो आई डिपेंड्स व्हाट यू इज मैरिज माय चॉइस फ्रॉम कॉलेज एंड अरेंज ऐसा क्योंकि मेरी जो उस टाइम प्रेमदा जी बिरला जो देख मेरे को मेरे को मेरे काइंड ऑफ एल्डर का रोल अब उन्होंने एक्सेप्ट किया था उस हिसाब से उन्होंने फॉर्मल formal, फॉर्मली उनको जाके उनके पेरेंट्स से उनका लाइक कम इन टू आर फैमिली एज डॉटर इन लॉ लेट्स फिक्स द वेडिंग डेट ऐसा अरेंज करा तो लव टर्न इन टू अरेंज तो पहली बार आप अवंती से कहाँ मिले थे कॉलेज में कॉलेज में जी एक ही बैच में थे नहीं वो जय हिंद में थी मैं सिन्नो में था वो आर्ट्स कर रही थी मैं कॉमर्स कर रहा था पर जय हिंद और में एक बराबर है एक दूसरे के बराबर तो वहीं सब कॉलेज में सब लोग मिलते हैं तो आप लोग दोस्त थे तब दोस्त और फिर लव हुआ और लव एट फर्स्ट साइड टाइप नो नो दोस्त फिर उसके बाद क्या वो आपकी कॉन्फिडेंट हो गई थी एकदम है ना अभी भी अभी भी है जी And that's the foundation of your relationship, those things. Foundation of all relationships is trust. Ultimately, it's trust, love. For every, year, whether it's a parent, child, whether it's a husband, wife. Uh, whatever you can, you have to use your discretion. Um, but the foundation of every relationship is uh, you have to have amount of trust in whatever you want to have trust, not in everything in the, under the sun. तो सर्टेन एरिया जहाँ पे आप ट्रस्ट फॉर रिलेशनशिप टू सक्सीड क्या वो आपकी इमोशनल एंकर थी हंड्रेड परसेंट नो डाउट तो जब मेरे माय फैमिली पास टू इशू द ओनली पर्सन आई मीन द वर रिलेटिव्स बट द वाज ओनली समबडी आई रियली कनेक्टेड वेरी डीप लेवल वाज सो क्या आप इमोशनली डिपेंडेंट थे उन hmm? पर डिपेंडेंस तो किसी जब अगेन कमिंग बैक टू सोलह साल का स्टोरी जब आपके पास भगवान की इंस्पिरेशन है तो आप उन पर डिपेंड और उन्हीं के थ्रू सब बोल वो ही देंगे सबको आप आपके इर्द गिर्द आने के लिए ट्रू बी एबल टू कनेक्ट अल्टीमेटली गोज बैक टू दैट डिपेंड ऑन एनी डिपेंड ऑन हिम एंड देन यू डिपेंड ऑनवर डिपेंड यू कनेक्ट एंड एक्सेप्टी प्रोवाइड्स और इंस्पायर्स टू बीथी क्या वो भी आपके साथ आपके बिजनेसेस में बहुत इन्वॉल्व थी है? नहीं नहीं नॉट एक्टिवली कॉन्शियसली चूज किया हाउस वाइफ ओन द चिल्ड्रेन एंड यूर फादर टू थ्री ब्यूटीफुल वेदांत निर्वाण श्लोका एंड क्या, uh, क्या उम्र है उन तीनों की वेदांत पास 30 निर्वाण जस्ट ऑन 30 एंड श्लोका ट्वेंटी आप तो उनके बड़े भाई ऐसे दिखते हैं ना ऐसा बहुत मिला होगा ये कॉम्प्लीमेंट से से होता है भगवान की देने अगेन ध्यान प्राणायाम करिए आपकी एज टॉप हो जाएगी <laughs> 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 क्या आ, क्या वो भी आपकी तरह स्पिरिचुअली इंक्लाइन बहुत बहुत तो मेरा आ, वेदांत इज अ आर्ट ऑफ लिविंग टीचर श्री श्री रविशंकर जी आप सुने हुएंगे उनका आर्ट ऑफ लिविंग इंस्टीट्यूशन है तो हमारे हमारे फैमिली के गुरु हैं वो तो वेदांत हैज डन द टीचर्स ट्रेनिंग टेक्स कॉर्सेज ऑफ आर्ट ऑफ लिविंगस प्रोग्राम तो ही इज दैट स्पिरिचुअल इज एक्चुअली टीचिंग स्पिरिचुअलिटी इन स्परिचुअल काइंड ऑफ प्रोसीजर He's very hardworking, so his morning to night is work, and his spare time, whatever he gets once in couple of two months, is these courses he does, and himself regularly practices the whole uh, art of living Sudarshan Kriya, and always takes him one one and a half hours a day. Uh, is also spiritual; they all meditate every day. Nirvan also sings, so we has just, just told you we had a satsang just two days back. So he sings uh, devotional songs, satsang Satsang what you do, you, it's not, not, not a speech, it's a Jai Jai Radha Ramana Hari Bol, that's a Satsang, you keep singing it in a tune and you keep, you can dance, you can sing, you can clap your hands, so he sings uh, devotional songs. So yes, they are spiritual, everyone is spiritual in their own way. Uh, my daughter Shloka also, She's very Krishna conscious, So.

<laughs> एक बार नहीं अनगिनत बार हा? तो मैं अनगिनत बार तो मैं मेरा शौक है सालों से मैं जाता हूँ मेरे बच्चों को भी मैंने लिया है वृंदावन मथुरा गोवर्धन परिक्रमा हिमालय केदारनाथ बद्रीनाथ सब जगह वहाँ मैं इन मेरे बच्चों के साथ यमुनोत्री गंगोत्री वहाँ आप जाएंगे तो आप कई जगह पैदल चलेंगे वृंदावन की गोवर्धन की परिक्रमा बिना चप्पल के पैदल होती है वहाँ आपका पैर पैर में लगती रहती है पर आपको बीच बीच में प्यास लगती रहती है तो चाय ठेले पर पीना पड़ता है हिमालय में तो अलग वातावरण है क्योंकि उनके लिए ये जो हम जिंदगी जीते हैं यहाँ है वो बोलते हैं माया नगरी में जी रहे हो आप बॉम्बे <laughs> में उनका जो लाइफ है वो अलग है जो हम लोग स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं उनके लिए वो तो वही लाइफ है और ये कोई इल्यूजन है तो वहाँ लोगों से बातचीत भी हम बहुत करते थे साधु महात्मा कोई मिलते थे जो चले अपने या बैठे हैं कोई आश्रम में उनसे जाके चलो थोड़ा डिस्कशन करो ये मैंने बहुत किया पहले अभी इतना नहीं करता हूँ पर चाय ठेला बैठना उनके साथ घूमना नंगे पैर घूमना हिमालय में घूमना वृंदावन में घूमना ये तो मतलब रोज का मामला है जब भी मैं जा सकूँ मेरे को बहुत अच्छा लगता है मुंबई में कर पाती होगी कभी हाँ हाँ मैं तो ओके यहाँ साइकिलिंग जाता हूँ घूमने hmm. जाता हूँ कहीं भी अकेल मेरे को कोई मतलब मेरे को वाहन का शौक कम है गाड़ी <laughs> में बैठने का शौक कम है मुझे घूमने का बहुत शौक है बट लाइक आई लव वॉकिंग ऑन द रोड्स आई डोंट लाइक वॉकिंग राउंड एंड राउंड इन द पार्क द फॉर्म ऑफ एन एक्सरसाइज बिकॉज आई लव टू सी दी एनवाइट एनर्जी आई लव टू सी पीपल सो आई जस्ट वेर आई कैन अनफॉर्चुनेट बॉम्बे द वेदर इज नॉट वेरी कंड्यूसिव सो इफ यू गो टू द नॉर्थ इंडिया नाउ इन द दिन इवन इफ यू गो टू दिल्ली और आप जाइए ऋषिकेश लाइक कैम्प से वहाँ आप घूमते रहिए घंटों इतना अच्छा अच्छी वेदर में इट्स जस्ट ब्यूटिफुल यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि पसीना पसीना आ जाता है बट आई लव वॉकिंग अराउंड लास्ट टाइम आप लोकल ट्रेन में कब ट्रैवल किए थे मुंबई <laughs> के लोकल ट्रेन में जी कॉलेज uh, में कॉलेज कॉलेज तो में आई गॉन टू मीट अवंती इन बैंड्रश टू स्टे hmm. तो क्या हुआ उस टाइम पर मैं ट्रेन से गया तो अब जाते थे अवंती को ट्रेन में मिलने के लिए कभी चाह होती है क्योंकि आप बहुत एक्सपेरिमेंट करते हो अपने आप के साथ आई लव यू वेयर आर वेरी बिंदास आपके लोग कहते हैं कि आप बड़े ईजी इंसान है कभी लगता है कि यार एक दिन मैं लोकल ट्रेन चर्च गेट में बैठो और जाऊं एंड डू यू नीड अराउंड बिल्कुल नहीं आई We'll go anytime. I'll go today. Like <laughs> last time I went to Nasik, the roads were bad and I drive a lot of times. So I said, let's go in the train. But then the train time overlapped with some meeting of mine, so I couldn't go. I'm very happy to go. I love all this. So, the, in fact, this gives me a, a train, you Sorry, say. Uh, incidentally, when I was a child, yes. uh, train journeys were the most favorite to me. As I said, uh, for me, uh, car journeys are not very i don't i do enjoy car journeys so much so i used to go every evening my entertainment as a child was to go from here to dadar station dadar station to back as a train ride um, so one at uh, that time i don't know maid or somebody help used to take me because that was my every evening process take a local train to dadar and come back so i used to just

तो मैं पानी पूरी खा खा के ये सब जाके करता था और मैंने भी बहुत टाइम से किया नहीं है एंड आई 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 थिंक थिंक मिस आउट दोस बेसिक्स इन लाइफ यार एग्री इट साउंड्स वेरी एडवेंचरस कम अच्छा ये बताओ आ, आप जैसे मैंने सुना हुआ है वापस कि जब लोग कॉर्पोरेट आइकॉन्स होते हैं बिजनेस टाइकोन्स होते हैं जब वो बाहर का वड़ा पाव खाते हैं ना वो जो मसाला वसाला आ उनका पेट खराब हो जाता है इससे होता है क्या ऐसे मेरा देखिए पेट है सर नहीं कॉपरेट टाइकून के कारण हमारे जेनेटिक्स जिने, और डीएनए तो हमारे फैमिली में मोस्ट पीपल मेल मेंबर्स का हरदम पेट ज़रा नाजुक रहा है ये मेरा बचपन से मेरे दादाजी परदादा जी, पर दादा जी सब का ऐसे ही था थोड़ा बाहर का क्योंकि वी एक्चुअली ईट मोस्टली फूड एट होम मेरे को आप पूछे तो बेस्ट फूड इज़ होम फूड मेरे को बाहर खाने का बिल्कुल शौक नहीं है Uh, मैं रेस्टोरेंट में भी बहुत कम खाता हूँ मेरा घर का सिंपल खाना आई एम सो मच इन टू हेल्थ एंड फिटनेस तो जो मेरा हेल्दी फूड होता है होम में वो बाहर मुझे कभी मिलेगा नहीं वड़ा पाव बोलेंगे फ्राइड है तो मैं बहुत कम फ्राइड फूड खाता हूँ अभी एक वंस एन अवाइल खा लिया तो वो पेट जाने वाला है क्योंकि बॉडी नॉट टू कभी है वापस कि वो वड़ा पाव जो बनता है वो भाई साहब मसाला वसाला लगा के वड़ा पाव आई डोंट लाइक बट आई लाइक ढाबेली वोड़ा ढाबेली सो आई लव ढाबेली व्हेन आई वेंट टू गो टू नासिक अगेन सेम थिंग अ प्लेस आई लव टू गो लॉट ऑफ टाइम आई गो ढाबेली ढाबेली मार्केट में मिलते कौन है पेट गोस अ लिट बिट बट टॉलरटेड तो आप सिंगल स्क्रीन गए हो क्या गेटी गैलेक्सी हम बचपन में कॉलेज में तो सिंगल स्क्रीन ओनली गेटी गैलेक्सी आल्सो बीन बट दैट टाइम वी रॉस न्यू एक्सेलसियर मेट्रो दीस आर ऑल सिंगल स्क्रीनस and been all over i used to love seeing movies at the theater i love seeing movies at the theater even today i keep going to theater yeah 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 i love going it's an experience you go to a the theater there are people you buy popcorn you sit amongst people you hear the, the laughing of the audience you hear the comments whatever as long as you're not disturbing anybody uh, so that's great fun rather than just sitting and seeing it by yourself i love going to the theater i go at least once in a week once in two weeks संडे संडे और अवंती दोनों या नो एनीबॉडी एल्स हु मे कम सम फ्रेंड्स सम सम टाइम माय चिल्ड्रन सम टाइम्स द ओनली टू ऑफ अस या अह यू हैव नॉट स्टक टू कन्वेंशनल बिजनेसमैन पर्सोना है कि नहीं वो कॉन्शियस था देखिए सबका एक परसेप्शन होता है ना एक सूट में आता है चश्मा रहता है वो ऐसे आते हैं शेक हैंड करता है आपको तो आप मेरे को बॉडरूम में मिलिए तो मैं ऐसे ही रहूंगा अच्छा रहते हैं। सूट और हैं और पर मैं अभी बॉडरूम में तो हूँ नहीं <laughs> मैं आपके साथ अच्छा गपशप मार रहा हूँ <laughs> हंसी मजाक कर रहा हूँ अब मैं स्टिफ रहा हूँ ऐसे सूट वूट पर बैठ के और आपको ऐसे फॉर्मली आंसर करूँ तो ना आपको मजा आएगा ना जो देख रहे हैं हमको उनको आनंद आएगा एनी वे दमरी ऑफ आई एम फ्रेंड से Is that we play different roles in life, right? In in the office, I'm a businessman. With my family, I'm a family man. When I go out to a restaurant, restaurant, club, whatever, then I'm another type of person. I'm myself, maybe. Let's call it yourself, uh, individual, not dependent on business or family or whatever. That doesn't mean each are different from each other. It's the same person assuming different roles like that. Your uh,

Or were you studying fashion? No. because you were always very different in your clothes sense. man. never studied fashion. I never look at uh, catalogs in those days or Instagram. Now I just never look at it. Uh, what is trendy? What is not? My getting, I get ready in five minutes. Now when I came down to you, of course, uh, I had some Zoom call, business calls. So I got a little late, but I got ready in five minutes. Uh, <laughs> so for me, it's very spontaneous. I go. Whatever the wardrobe is, I stand in front, I open one thing, I choose one thing, quickly I think, okay, this will match something else, somehow I find it. And I have a variation of things obviously since I'm so so fond of clothes. I have a couple of cupboards of them um, and at that spont in that spontaneity I get ready, right? I barely look into the I of course I look that I'm not looking uh, not up to my level of satisfaction. Quickly I glance in the mirror and I'm out. So, it's a absolutely spontaneous and it's always been like that. It's never thought, never contemplated, never studied, never introspected greatly that, oh, now I'm wearing this, how will it look, or how, what will people say, or think, or is it all suitable? So, uh, what I like, I'll wear it. But you're yeah. like, I've seen so you, we were in a nightclub and I saw how you were enjoying the music. Yeah. You were, huh? So, I love music i see music, uh, okay, again, it's paradox, maybe, or it sounds odd. music is a form of divi divinity. Yes. so you have krishna, rastila, have shiva standards. nothing wrong in music, dancing. dancing is a form of expression of that divine energy. Uh, so I, I love doing that, to be honest. see, I, I don't drink at all. i've never touched alcohol in my life. when i came to college, maybe shot me shortage, not even a drop. I'm, i don't mean to be judgmental, and each maybe. to their own. And whoever enjoys it, obviously, it's great. For me, it's something which is just no. So when anyone used to tell me uh, it's our birthday, so you have to celebrate and have something, champagne or whatever, I said no. <laughs> it was literally as serious as that. Not even like ha ha, ha no. Because when you say ha ha no, ha, they say no 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 little is okay no. <laughs> and those same people today say we respect you for your principles of sticking to it. Well, a lot of people fall into peer pressure. They mm. feel that to be one with the crowd, you need to have a drink. I don't believe in it. So, I have never touched alcohol. I don't even know what it tastes like. Uh, forget everything else. I would never even think of touching any other intoxicant if I have not touched alcohol. So, I have never experienced those kind of things. Uh, I am a pure vegetarian into health food, so I don't eat out. My purpose of going out is just to get a vibe and music, right? Because I have no interest in anything else. And the moment I get bored, a lot of people say, How do you enjoy without having alcohol when you go out? I said, so, Don't go out. And if you've stopped enjoying, go home. <laughs> so I do that. I go out for the place, for the music, for the people, for my friends. And the moment I don't enjoy it, I'll go home. Why should I stay somewhere I'm not enjoying and have something to suppress my mind so I enjoy myself? I think I don't feel it's very wise. But so, just, when you went to the you were young mm -hmm. to study.

Because there's no music, there's no dancing, there's bars, dingy bars. I have zero interest in it. So what do I do? So there was a, for, it was a very for, uh, green area. It's called the green belt also. So there were a lot of forests and all. So uh, in those forests, I used to go walk around, and I used to, surprisingly, sounds a little for that age a little uh, esoteric. So I used to take the Bhagavad Gita chanting, and I used to go into the forest, sit over there, meditate, and come back. Because I had nothing to do after my I used to study, 15 hours a day. After that for 1-2 hours that respite you need I had nothing to do I had very few friends in the MBA because people are much older than me mm -hmm. I went at 22, people were as old as 50 Some of them doing MBA as a second part of their life to take up a career after their professional life So, uh, my time we used to be spent in all these uh, my inherent nature, spirituality So I had never stepped into a bar over there, I never, I never had a drink

Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me at the rate sid underscore Kannan, and I would love to repost them. Angar peno or Angar machao. आपके जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं वो अभी भी आपके साथ दोस्त हैं कि नहीं यू हैव नॉट हंड्रेड परसेंट वी हैव रियूनियंस मिलते हैं इट्स वेरी नाइस टू सी आई आई एम अ वेरी पर्सन सो रिमेंबर इंस्टेंसेस फ्रॉम माय पास्ट स्कूल आल्सो माय पास्ट स्कूल इज कनेक्टेड टू सम माय लाइफ विद लाइक माय पेरेंट्स व्हिच इज़ नो मोर सो आई कनेक्ट ऑल दैट टुगेदर एंड आई एम वेरी इमोशनल अबाउट इट वन डे आई वेंट टू आई वाज इन स्कूल सो वन डे आई वेंट

<laughs> और जहाँ मेरी क्लासरूम थी वहाँ जाके खड़ा हो गया और मैं इमेजिन कर रहा हूँ यहाँ मैं बैठता था आठवीं कक्षा में आठवीं नौवीं दसवीं सेम क्लासरूम था यहाँ बैठता था इसके इस 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 दौरान ये जन मेरे पास बैठता था उसके बाद ये बैठता था फिर हम ब्रेक में यहाँ जाते थे फिर मैं गया वहाँ जो कैंटीन uh, था जिम था सब देखा पूरा देखा एंड ऑनेस्टली आई हैड टीयर्स ट माइज बिकॉज आई थॉट दैट दिस इरा विच इज़ गॉन योर स्कूल डेज And your days with your parents and school, and that whole life has gone. It's away. It's like a memory. It's like a dream, let's say, now, or a movie. And we are in a totally different environment. And today we are in this environment. We don't know what will be tomorrow, right? So, thinking all this while looking at my classroom, um, I got very emotional. So, with that emotionality, I always connect uh, childhood instances. स्कूल के जो फ्रेंड्स के इमोशंस। आई नॉट फ्रेंडली विद द एनी मोर बिकॉज हार्ट एंड ऑलवेज बी फ्रेंडली विद योर स्कूल फ्रेंड्स बट आई कनेक्ट एन इमोशन विद द कोई ऐसा दोस्त है आपका जो आप कहते हो यार्कूल लाओ जो आप स्कूल में ऐसा कोई नहीं मैं तो मतलब जो पूरी क्लास थी मैं सबसे मिला सबसे देखा कि कैसे इतने साल में किस किसका क्या, क्या परिवर्तन आया है अह uh, तो वो सेंटिमेंट्स अटैच्ड टू द ग्रुप नॉट टू पर्टिकुलर पर्सन आह लाइक दैट डू यू हैव और मैंने सुना है इट कुड बी रॉ द फियर ऑफ लूजिंग इट ऑल ऐसा होता है आपको नो no. नहीं यू डोंट हैव दैट Are you possessive about things that you love? Mm, no. Mm -hmm. No. Not things, maybe people. But that also graduates. It, it is there initially when you're in college, you're possessive of your girlfriend or your. Well, I don't know, sometimes your children when they're growing up. But that goes. I've heard that subse closest hair to your daughter is that true <laughs> yeah absolutely right closest as a emotion she's uh, yeah you can say she's the residence of my life <laughs> so i uh, so what happened I, I, when i had two sons i was very keen for I, I used to miss my mother and my sister a lot as i told you so it's not that i'm saying any of them are coming back but i just feel a female inspiration from them should have should be there in my life so i prayed a lot for a daughter uh, and uh, it was a little delayed uh, her coming and i went to uh, i went in a lot of manats to get a daughter ah. i went to badrinath kedarnath i don't know velankini devi which is a christian uh, uh, mother holy mother mary i took manats and i said wherever i take a manat i'll come back and thank the divine if i get a daughter so i got a daughter and it was like everything for me at that time and then i went to all these places like Vaishno devi i went my daughter was five months old and i carried her all the way up walking and uh, surprisingly she was so attached to me so anybody else took her including her mother or the, or the help nurse whatever it was she would start crying and the moment she'd come to me she'd keep quiet so uh, yeah there's a, there's a bond beyond now of course teenagers they all pass through a lot of things and of course that bond

Uh, it's a, in a very superficial way, I would say this, and I've again said it. So, I you, you brought it up earlier that how come you're not dressed up like a businessman? How come you're not behaving and sitting with me like those suited, booted people? So, when I joined the business businesses 22 23 that after the episode, they, I was told by uh, even my aunt Premada Villa that you know you must uh, dress up in a particular way, whether in the office or not. When you're traveling on a plane, she was right. From her point of view, she was right. When you're traveling on a plane, you'll meet so many businessmen, right? So you cannot just wear these, what we call funky, cool, whatever clothes, God knows. You have to be dressed seriously. Um, but I didn't, <laughs> because I said, even while talking to those businessmen on the plane, I have to be feeling spontaneous. Otherwise, my conversation will never be real, right? any conversation with anybody has to be real reality is the one fact in life which is the most important if i am going to talk to you superficially or asking me a question and i'm trying to think in my mind how to how how will it seem on this camera then it will lack the spontaneity and the reality the best conversations are the real ones so even if i meet a businessman on the plane and i'm wearing this as long as my conversation about business or about business ethics or business ideas is real how does it make a difference, what you're wearing? So I continued doing what I believe in. <laughs> there was like, uh, in Calcutta, very traditional uh, families over there. So like when you wear, a, when you go, there was a time like 7 o'clock dinner, if it's a holiday, 4 o'clock tea. Uh, so I followed all those routines. Uh, I used to do everything according to the system. Get up at six. Do this at this. Go to office at that time. If there was office, there was office in the, in, in Calcutta that time. Come back. Get ready. in a kurta pajama. Uh, dinner is there. Kurta pajama. Can must wear a ganya? That banyan. So I so I said I am uh, so not going to wear a banyan. It's too hot. Khai. Calcutta is even more humid than Bombay. So, if you go one, like you sit in this weather now, there you'll be sweating in two minutes. I said, the Ganji, banyan, two levels, two layers. I'm perspiring more. I can't. So, I didn't wear it. <laughs> it wasn't disrespectful because it's just a banyan. But that was the culture there. So, um, I didn't do it. The, my timings are a little not very uh, punctual. That 7 o'clock time. I said, please give me some leeway because I have. A little bit of different, uh, uh, more flexible lifestyles. I'm not very, which is not good. I don't say it's good. I'm not very punctual. Um, for business meetings, you have to be because that's business ethics. But not for a social dinner. If I'm meeting my friends and if I've said we'll meet ni at nine o'clock at a restaurant and I reach a nine fifteen and they get annoyed, I said then don't make a dinner plan because it has to be relaxation. Right, it has to be something which flows. It's if I'm not a mission. Yeah, it's not a mission. I'm not. I'm not missing on any business deal or commitment. I'm just 10 minutes late. I may be wrong. My wife is very punctual. She likes everything to the punctuality, and we have a <laughs> always a discord on this. You're late. I said you're too much on time. Let's uh, come in between. <laughs> <laughs> you. So, uh, my cousin Kumar Mangalam Birla is somebody I really look up to. I respect him a lot. Uh, he's a beautiful human being, right? Uh, one of the most fine individuals I've seen. Loving, caring, compassionate, a brilliant businessman. I mean, I think he's taken his group when his father left off to a different level. Tremendously intelligent and. Uh, i just think he's adorable in every way i often tell him that because i really really i don't have any really icons or uh, people i when anyone asks me this that uh, who is probably an icon they'll say this film star this rock star this businessman i say just one if there is my cousin who i love a lot but he's my icon where is the birla business headed from your point of view up <coughs> So uh, a lot of my now my sons have joined the business. So they have they're looking at, uh, at different things. My older son is looking after the manufacturing. My younger son is looking more at the uh, B two C education and all these things. And of course, I'm involved strat and strategies overall. A lot of new new things which I keep thinking: some small, some not so small, some traditional, inherited. So I won't put it into boxes. आई जस्ट फील एनी बिजनेस इज क्रिएटिविटी एट अ पर्टिक्यूलर लेवल एंड आफ्टर क्रिएटिविटी इज मेकिंगज अर मैनेजमेंट लेट दम गो है इतना फिट होना एवरी डे आप वर्कआउट करते हो फाइव टाइम्स वीक और कितने घंटे देते हो आप पचास मिनट But this is because you have been doing you are right. So often uh, people tell me, you must be working out one, two hours a day. I said not at all, I don't have two hours a day to work out. It's too long. And I, I, even, if I, even if I felt I had the time, I wouldn't give it so much time. Uh, because it's a waste after some time. You know, after about one and a half hours, your body starts releasing cortisol, which is depleting your muscles actually. So people over exercise. I always believe whatever you do, you should do it consistently, right? If you can't keep it perpetual, I'm doing this since North Carolina, my college. I'm still doing the same exactly what I was doing then to now. So, when I believe when you pick up something, uh, you do it forever till you can. I'm not saying if there's some circumstance which you can't, you can't. Till you can, just do it as a religion. So, for me, my workout is a religion. I've been doing the same thing from then. Now, if I did it two, two hours every day, I wouldn't have been able to sustain. So I've never done it. Second, it's not needed. Third is yes, with time, I don't probably need to work out so much because the muscles get used to a program. It's they're programmed to be a particular way. So in that way, probably I'm lucky that even by 15 minutes a day, five days a week, I'm able to at least. Uh, Sustain and improve wherever I have to, because I always feel life is of improvement, right? If ever I feel, no, 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 now I'm uh, going to let it be, or let it remain, or let it go down because circumstances, decide, then I'm not right. I must keep improving in every way I can. Then of course, whether nature supports you. What would you like to be known as? Akshay, at one point of time, you say you've lived your life. And there's lots more to live, I'm sure, but I'll get you, I want people to remember me like this. So, as a spiritual human being living in a contemporary modern world and uh, excelling in the duties as an entrepreneur, as a human being, as a family man in this world, but always in all your actions being connected to. The divinity and the truth, Yash. All I want to say is, you know, there's so many takeaways, so many upsellie the way you've led your life. And I love that you're such a pure soul. Your heart is in the right place. Your mind is in the right place. And I'm sure there's so much that you have to give back to people, and you will. And you're continuously going to do that. And you're so refreshing. We have certain perceptions. And then one meets you. We that this is us. <laughs> how, how kind! The best conversation is when you, I, you forget the divisions between humans. So when we talk about again, sorry for being repetitive, but spirituality is where we stop identifying that you are you, he's he, and I am. And we are playing different roles, but ultimately we are unified by consciousness. So when you start identifying with me in a conversation and I start identifying with you, then you've crossed one barrier to ascend towards the ultimate. I just felt that I spoke to someone that I've known for years. And the fact that you're sentimental about things, it shows. Sometimes you have to which is even more beautiful. So thank you so much for being you. And one day, you and me going on a train ride. रेन पक्का अभी लोग्स को ट्राई दोस वड़ा पाव जो आपको पसंद नहीं है पर एक डाल देंगे एनीथिंग 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 इन द मोमेंट व्हिच इज जॉयफुल एंड गिव्स हैप्पीनेस टू एवरीबॉडी अराउंड व्हाई नॉट एनीथिंग आई लाइक आई लाइक करेला आल्सो अच्छा <laughs> <जा> क्या <laughs> <laughs> वो आप अकेला ही खाना देन आई विल ओनली वॉच देन यू कैन ईट दैट फॉर मी आई आल्सो डोंट लाइक इट यू आल्सो डोंट लाइक सो ईट इट फॉर ईच अदर थैंक यू सो मच एंड आई वांट यू एंड योर फैमिली एंड पीपल अराउंड यू To always be happy, Yash Thank, Thank you. you so much.